what's up guys, this is Sahil Purana from Bathinda, Punjab. अच्छा तो मैं आपको आज इंग्लिश का बताने जा रहा हूँ. ग्रामर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. मैंने इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दी. देसी तरीके से आपको जो मेरे मैं उम्मीद करता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा मोटिव यही है कि जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको मैं अच्छे तरीके से देसी तरीके से हो सकता है कि मैं इंग्लिश सिखाऊँ. बहुत ईजी लैंग्वेज है. मेरा मोटिव यही है कि लोग घर बैठे इंग्लिश सीखते हैं. ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर टुडे. ग्रामर हैव टेंसेस. ओके टेंसेस होते हैं इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. हमें टाइम का पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है, इसको टेंस बोलते हैं. किसी भी क्रिया जो हरकत होती है उसका टाइम क्या है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन तरह के टेंसेस होते हैं. बीता हुआ कल जो गुजरा हुआ कल है, आज का टाइम जो आज में टेंस है ये, और आने वाला कल. तीन तरह के टेंसेस हैं. आज मैं प्रेजेंट टेंस करवाऊंगा. आई हैव चूजन दिस टेंस. ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस इन शॉर्ट वे एंड इजी वे. ओके इट हैज फोर पार्ट्स प्रेजेंट टेंस. इंडेफिनिट पहला जो पार्ट है प्रेजेंट टेंस का वो है इंडेफिनिट टेंस. उसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं. सेकंड वन इज कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस. फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज मैं इंडेफिनिट करवाऊंगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेफिनिट. आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा कि व्हाट इज दैट. ओके इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल है. इसको इसीलिए सिंपल टेंस कहा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें क्या होता है, टू एक्सप्रेस आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड. ये किस चीज के लिए बना है, जो आपकी रोजाना की डेली की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आपकी हॉबीज, जैसे कि आपकी रोजाना आदतें, जो आदतें होती हैं आपकी रोजाना के कामकाज होते हैं, कामकाज जो होते हैं रोजाना की डेली एक्टिविटीज, उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं. जैसे कि राम गोज, इस तरह के टेंस, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं. जो काम करता है करती है, जाता है जाती है, उसके लिए टेंस बना है. डेली एक्टिविटीज जो होती है उसके लिए टेंस बना है. ये आप बात नोट कीजिए. अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपने नोट करनी है. पहली बात, बातें तीन तरह की होती हैं. अफर्मेटिव जो होती है सिंपल, दूसरी नेगेटिव. नेगेटिव बात जिसमें लगता है नहीं. थर्ड इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाली, पूछने वाली. ये पहली बात है जो आपने याद रखनी है. ओके ये फर्स्ट बात है जो आपने याद रखनी है. ओके उसके बाद दूसरी बात, आप सेंटेंस कैसे बनाओगे. आपके पास ये है, आई मैं यू आप, उसके बाद ही शी इट, वह, वो आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकता है, थर्ड पर्सन तीसरा बंदा, तीसरा पर्सन वो आदमी भी हो सकता है औरत भी, और चीज इट, इट माने चीज, उसके बाद वी हम और दे वह. ये आपने सेकंड नंबर जो बात है वो नोटिस करनी है. ये आई यू वी शी इट वी दे, इससे आप सेंटेंस शुरू कर सकते हो. उसके बाद तीसरी बात आपने जो नोटिस करनी है वो है वर्ड्स कौन से आते हैं सिंपल प्रेजेंट में, बात कैसे शुरू करते हैं. इसके बाद थर्ड बात जो आपने दिमाग में डालनी है वो है वर्ड्स
सिंपल टेंस में प्रेजेंट टेंस में वर्ड्स कौन से यूज होते हैं? डू डू नॉट माने कि करता नहीं करता, ठीक है। उसके बाद डज डज नॉट, इसका भी सेम मतलब है लेकिन इसमें एस आ गया है, इसका मतलब एस और ई एस है जो ही सी के साथ लगता है थर्ड बंदे के साथ। ये आपने तीसरी बात नोटिस करनी है, जो तीसरा बंदा होता है उसके साथ बस एस या ई एस लगेगा, करता करती जो भी है उसके साथ एस ई एस, और जो भी क्रिया है, क्रिया जो होती है उसका मैं आपको बताता हूं। क्रिया जो होती है वो होती है जैसे कि प्ले, ये क्रिया है, थिंक सोचना ये क्रिया है, रीड ये क्रिया है। अगर अब आपको जो तीनों बातें बताई हैं वो मैं आता हूं, आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई प्ले टेनिस, ओके, तो मैं टेनिस खेलता हूं, ये है अफर्मेटिव, जो सिंपल बात है अफर्मेटिव। आई डू नॉट प्ले टेनिस, मैं टेनिस नहीं खेलता, ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव बात होगी। अगर पूछना हो तो बनेगा डू आई प्ले टेनिस, क्या मैं टेनिस खेलता हूं, बस सिंपल सी बात। और उसके बाद जो मैंने बात बताई थी कि अगर थर्ड पर्सन हो, तीसरा बंदा माने कि शी ही और इट, कोई चीज के बारे में बात करो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है। वर्ब माने कि रीड, आर ई ए डी रीड, थिंक जो भी वर्ब है, क्रिया जैसे मैं पानी पी रहा हूं, ड्रिंक ड्रिंक्स। तीसरे बंदे की बात करते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर, एस लग गया या ई एस लग गया, शी प्लेज टेनिस, सिंपल सी बात है। तीसरे बंदे की जब बात कर रही है तो क्रिया के साथ एस पीछे या ई एस पीछे लग जाता है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तीन बातें आपने याद रखनी है, पहली बात कि अफर्मेटिव सिंपल बात, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये पहली बात है जो आपने याद रखनी है कि तीन तरह की बातें होती हैं। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो है आई यू ही सी इट, ये इकट्ठा है ही सी इट, ये जो है इनके साथ ही सी इट के साथ एस या ई एस लग जाएगा क्रिया के साथ, जैसे कि प्लेज थिंक्स, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ही सी और इट के साथ, जैसे कि इट रेन्स, बारिश हो रही है, बिल्कुल आसान है। दूसरी बात थी आई यू ही शी इट वी हम दे वे, ये स्टार्टिंग कर सकते हो आप इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। तीसरी बात, आपके पास वर्ड्स हैं सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए, डू डू नॉट डज नॉट, ओके, कैन कैन का मतलब कर सकता, सकता, कैन नॉट नहीं सकता, ठीक है। इज एम आर, इज एम आर का मतलब होता है ही या है, कभी भी देख लेना, जैसे कि ही इज आ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है, ओके। आई एम अ बैड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक बुरा लड़का हूं, हूं इज एम आर का प्रयोग होता है हूं के साथ, हूं या है। दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड, वह अच्छे हैं। इज एम आर भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको तीसरी बात बता रहा था, डू डू नॉट डज नॉट कैन नॉट इज एम आर, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में, प्लस वर्ब्स, वर्ब्स माने क्रिया, जितने मर्जी वर्ब्स लगाइए। तो मतलब आपने सेंटेंस कैसे बनाना है, सबसे पहले आई यू ही शी इट वी दे, कोई भी चुनिए, मैंने आई चुन लिया, उसके बाद डू डू नॉट कुछ भी, मैंने क्रिया चुन ली,
प्ले, क्या खेल रहा हूं, टेनिस, बात खत्म। अगर तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं, मान लो ही आपके बारे में, ही खेल रहा हूं, आप खेल रहे हैं, प्ले, मैंने एस लगा रहा है, ही प्लेज टेनिस। जैसे कि मैंने आपको बताया तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं तो क्रिया जो बोलेंगे उसके पीछे एस या ईएस लगेगा, ये बात याद रखनी है। तीन तरह की बातें होती हैं, वो भी याद रखनी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। सवाल जब पूछना है इंटरोगेटिव में वो चीज़ पहले आ जाएगी, जैसे कि आई डू, जैसे मैंने बोला था आई डू नॉट प्ले टेनिस, डू आई प्ले टेनिस, वो जो डू है वो पहले आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये जस्ट एक स्टार्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सर्च कीजिए, अपने क्वेश्चंस हमें बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम बिल्कुल साथ रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप कैरी ऑन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम आपको आगे भी बताएंगे। दिस इज द फर्स्ट वन एंड वी विल बी कैरी ऑन विद द नेक्स्ट वन। ओके, सो वी विल सी यू। इसके बारे में आप और भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हम आपको बताएंगे ग्रामर के साथ और भी आगे हम कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।